नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बहुत समय से आप में से काफी सारे विद्यार्थियों के मुझे कमेंट प्राप्त हुए कि सर आप एक बार हमें बताएं कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या योग्यता होती है, किन पदों पर भर्ती के लिए माननीय हाई कोर्ट द्वारा यह एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, इन सभी पहलुओं पर हमें इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यह एग्जाम होता है वह सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए माननीय हाई कोर्ट द्वारा आयोजित करवाया जाता है। और जो यह एग्जाम होता है यह 2 चरणों का एग्जाम होता है। पहले चरण में आपसे एग्जाम के माध्यम से प्रश्न पूछकर एक कट ऑफ निर्धारित करके आपका चयन होता है। जब आप पहले स्तर को पार कर लेते हैं फिर आपका जो दूसरा स्तर होता है वो स्किल टेस्ट का होता है। तो इन 2 चरणों के माध्यम से जिला न्यायालय में आपकी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के रूप में भर्ती होती है। आपको इन 2 चरणों को पास करना होता है। पहला प्रश्न समाप्त हुआ या उसका आंसर आपको मिला कि किन पदों पर भर्ती के लिए यह एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, तो वे पद हैं सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ। ठीक, अब बात करते हैं कि कब यह भर्ती निकलती है। तो दोस्तों, यह माननीय हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। इसके पहले जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था वो वर्ष 2021 में आया था और उसकी नियुक्ति अभी वर्ष 2023 में हुई है। इसी प्रकार से वर्ष 2017-18 में इसका नोटिफिकेशन आया था और अब उम्मीद है कि वर्ष 2024 में फिर से इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आपके कमेंट तो काफी पहले से मेरे पास आ रहे थे कि सर संपूर्ण प्रक्रिया को आप समझा दें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जिला न्यायालय भर्ती एग्जाम की होती है। तो अब मुझे लगा कि नोटिफिकेशन हो सकता है 2024 में फिर से आए, इसकी प्रबल संभावना है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। इतनी बात तो क्लियर हुई कि 2024 में इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जो आपका पहला चरण होता है जिसमें आपको एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 प्रश्न दोस्तों आपके 6 सब्जेक्ट को मिलाकर आपसे पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट जो जनरल नॉलेज होता है, इसमें सभी सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, आपसे हिंदी पूछी जाती है, आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, इन 6 विषयों को मिलाकर कुल 100 प्रश्न तैयार किए जाते हैं और इन 100 प्रश्नों के आधार पर एक कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, मैंने जीके को भी एक विषय कह दिया जबकि इसमें काफी सारे विषय होते हैं क्योंकि मुझे आपको समझानी थी चीजें। अब प्रश्न कितने कितने आते हैं, तो दोस्तों इसमें सामान्य ज्ञान के कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इनसे भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से दोस्तों कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर की भी आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न इस परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्नों का स्तर कैसा होता है, तो दोस्तों बहुत ही सामान्य और साधारण प्रकृति के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी की होगी तो वो आसानी से इन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकता है। दोस्तों, मैंने भी इस एग्जाम को दिया था और कोई विशेष फोकस मैंने इस एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं किया था, उसके बावजूद भी मैंने इस एग्जाम में 100 में से 87 अंक प्राप्त किए थे जिसका स्कोर कार्ड मैंने आप सभी के समक्ष अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी साझा किया हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। जिन 6 विषयों की चर्चा हमने की उन 6 के 6 विषयों को आप दूसरे एग्जाम्स में जैसे ग्रुप 4, पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट और जितने तमाम मध्य प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी में भी पढ़ते ही हैं। ठीक
ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमने एक महत्वपूर्ण विषय को छोड़ दिया कि आखिर इस एग्जाम में योग्यता क्या होती है, यदि कोई इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, दो प्रकार के पदों के लिए, एक सहायक ग्रेड 3 और दूसरा स्टेनोग्राफर, इन दो पदों पर भर्ती के लिए यह एग्जाम आयोजित कराया जाता है। तो दोनों पदों के लिए योग्यता अलग अलग होती है। जैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा DCA PGDCA होना चाहिए और आपके पास CPCT स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, हिंदी में पास किया हुआ। दोस्तों इंग्लिश AG3 वाला एग्जाम भी होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और CPCT, हिंदी और इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश नोइंग सहायक ग्रेड 3 बनना चाहते हैं तो आपके पास CPCT इंग्लिश में भी होनी चाहिए, हिंदी वाला बनना चाहते हैं तो हिंदी में होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों जो स्टेनो होता है उसमें ये तीन योग्यताएं तो चाहिए ही है, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCT। साथ ही साथ आपको इसमें स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये तो होती है इस एग्जाम की योग्यता। ठीक, अब आपका सवाल होगा कि सर जो इसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वे हमें कहां से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों वे आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां से आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर रहा होगा वो इन 100 प्रश्नों में से 75 से 80 प्रश्न बिना इस विशेष एग्जाम पर फोकस किए हुए और इससे ज्यादा प्रश्न भी सही कर लेगा, बशर्ते उसने तैयारी ध्यान से की हो, तैयारी पूरे मन से की हो, मेहनत की हो। तो जो प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही साधारण प्रकृति के प्रश्न होते हैं। जिन विद्यार्थियों को मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है, मैं आपको बता दूं जो 2021 के नोटिफिकेशन के आधार पर 100 प्रश्न पूछे गए थे इनकी प्रकृति बहुत ही साधारण थी। जो कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे कोई भी विद्यार्थी आराम से उन 20 के 20 प्रश्नों को हल कर सकता था। आप पिछला पेपर देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। तो हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर ली, हमने चर्चा कर ली किन पदों के लिए एग्जाम आयोजित होता है, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है, क्या योग्यता होती है, हमने सिलेबस की भी चर्चा कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के दूसरे चरण की, जो सेकेंड स्टेप होता है। जो आपका सेकेंड स्टेप होता है दोस्तों वो होता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट भी जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा दो प्रकार के पदों के लिए भर्ती होती है, AG3 और स्टेनोग्राफर, तो इन दोनों का अलग अलग स्किल टेस्ट होता है। जो AG3 या सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम देते हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम देते हैं उनका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। ठीक, स्टेनोग्राफी दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखनी होती है आपको टेस्ट में। इसी प्रकार से जो असिस्टेंट ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपके लिए दो प्रकार से टाइपिंग कराई जाती है। किस प्रकार की, एक में आपको टाइपिंग को देखकर लिखना होता है, एक में आपको सुनकर लिखना होता है। देखने वाला जो कंटेंट होता है वह आपके लिए 35 शब्द प्रति मिनट, 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से लिखना होता है, और जो कंटेंट आपको सुनकर लिखना होता है उसमें आपसे 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डाटा या कंटेंट को बोला जाता है और आपको टाइप करना होता है। दोनों के लिए आपको 10-10 मिनट का समय मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप विस्तार से चाहते हैं कि स्किल टेस्ट पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं या सिलेबस को और ज्यादा डीकोड करूं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इस एग्जाम का पहला एग्जाम भी दिया है, स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है और अब मैं फाइनल सिलेक्ट होके जिला न्यायालय में जॉब भी कर रहा हूं। तो आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर सकता हूं कि न्यायालय की जॉब कैसी है, किस प्रकार से काम करना होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस प्रकार से स्किल टेस्ट हुआ था, जितने भी अनुभव हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर तमाम प्रकार के जो भी एग्जाम के नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक के होते हैं, इवन सर्विस में आने तक के होते हैं, वे सभी मैं आपसे साझा कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बस आपको करना क्या है, एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है ताकि आप किसी भी स्तर पर ना चूकें और फाइनली अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। बस इसी कामना के साथ आप लगातार आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।